Hi everyone, welcome to Bitsize Academy. So in this video we are going to discuss the Hindu newspaper as an editorial analysis of March 20, 2021, and this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Bitsize Academy to make your preparation for various examinations like UPSC and state PCS examination like BPSC, JPSC, UPPSC and many more government competitive examination, because you know in all government competitive examination there is a huge weight of current affairs. So you can subscribe our channel. So let us start this lecture. So the first article is related to a state resolution on central laws are fine. So here is a PIL filed in a Supreme Court, says that there are many states like Kerala, West Bengal and Punjab passed the resolution against the central laws. Okay. So this article basically talks about this seventh schedule of the list, seventh schedule of our constitution, जो कि आर्टिकल अंडर 2246 में आता है. ठीक है, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होते हैं, उसमें सेवन शेड्यूल्स में जो हमारा है वो टॉक्स अबाउट दी सब्जेक्ट्स. ठीक है, थ्री टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, इसको लिस्ट भी बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, इसमें बोला गया क्या है कि बहुत सारे स्टेट है, जैसे केरला है, वेस्ट बंगाल है और बहुत सारे स्टेट्स, पंजाब है, उन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए हैं अगेंस्ट दी सेंट्रल सीए एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, फिर न्यू एग्रीकल्चर लॉज. ठीक है, उसके अगेंस्ट में लॉज पास किए हैं. तो एक बेंच है, उसको चीफ जस्टिस शरद बोधबे ने किया था, अलर्ट किया था, और उन्होंने क्या था कि रेजोल्यूशन इज मेयरली एन ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट एंड डू नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ. सो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोधबे, he says that the resolution passed by the state is the opinion of the majority of the members of the legislative assembly and it is not do not have the force of law. Because aap aisa jante ho ki agar koi bhi law, hamare jo schedules hain, seven schedules, usme three type ki list hote hain, union list, state list and concurrent list. So union list mein union government law apna sakti hai, state government, state list mein स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कॉन्फ्रेंस लिस्ट में यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकती है. अभी अगर तुम देखोगे तो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, और फिर तुम्हारा अभी कुछ बढ़ करके 66 हो गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये सभी सब्जेक्ट, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड ट्राइब बर्ड्स, वेट एंड मेजर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो ये सभी सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं स्टेट लिस्ट में. ठीक है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिए गए, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, वेट एंड मेजर, और ये जो सब्जेक्ट है वही. ठीक है, इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो लिस्ट ना, इसमें बहुत क्या होता है कि जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में, अगर इसमें मान लो अगर सेंटर भी लॉ बनाती है और स्टेट भी लॉ बनाती है. ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन हो गया, ये सब देख रहे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो अगर उसमें लॉ बना देती है. ठीक है, तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल होता है. ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि जो स्टेट ने रेजोल्यूशन पास किया वो केवल उनका ओपिनियन है. और ठीक है, तो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट डिवीजन. ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू फाइव स्टेट अकाउंट फॉर 80% ऑफ न्यू इन्फेक्शन. सो बहुत सारे स्टेट है, जैसे ठीक है महाराष्ट्र, केरला, पंजाब और भी बहुत सारे स्टेट है, उनमें जो COVID-19 की जो केसेस है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अभी जब देखोगे तो इंडिया रिकॉर्ड 154 COVID-19 डेथ इन 24 आवर्स में. सो 24 घंटे में 154 पर्संस उनका डेथ हो गया ड्यू टू COVID-19, और COVID-19 केसेस का जो वो नंबर वो रिपीडली इंक्रीज हो रहा है. सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोग सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन फेस कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे महाराष्ट्र, केरला, पंजाब में ये जो तीन स्टेट है, ये मिलकर के लगभग 80% ऑफ केस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, और फिर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ टुगेदर
80% इन सभी स्टेट में बहुत सारे केसेस आए हैं। और अदर स्टेट जैसे तुम देखोगे 16 स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, फिर सिक्किम, मेघालय, सो इन सभी स्टेट्स में 24 आवर्स में कोई भी फैटेलिटी कोई भी देर अभी दिखी नहीं है। मे बी केस इमर्जिंग लेकिन फैटेलिटी अभी नहीं है। और दिल्ली में तुम देखोगे तो दिल्ली में अभी इस मंथ में सबसे ज़्यादा केसेस आए, जैसे 716 न्यू केसेस ऑफ कोविड-19 ऑफ दिस, जो कि हाइएस्ट डेली अकाउंट में। सो बहुत बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ दिल्ली में केसेस आए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कि हम लोग को जो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो ठीक है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, हम डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, फिर जो भी प्रोसीजर तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर ने दिया गया उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। फिर सेंटर आस्क हाईकोर्ट टू स्टॉप व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। सो इसमें बोला गया कि इसमें बेसिकली राइट टू प्राइवेसी को हम इस आर्टिकल से कनेक्ट कर सकते हैं। सो सेंटर ऑन फ्राइडे आस्क दिल्ली हाईकोर्ट टू रेस्ट्रेन द व्हाट्सएप न्यू इम्प्लीमेंट ऑफ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। तो व्हाट्सएप ने एक नया पॉलिसी स्टार्ट किया है इसमें जो लागू होगा May 15 से। इसमें क्या होगा, वो आपकी जो सेंसिटिव डाटा है जो भी आपके फ़ोन में स्टोर है वो उसको बोलेगा कि आप उसको अलाउ करो, दैट इज सो दैट द व्हाट्सएप कैन एक्सेस टू दिस सेंसिटिव डाटा, और व्हाट्सएप कैन यूज दिस सेंसिटिव डाटा कि वो इन सभी सेंसिटिव डाटा को मोनिटर करके एक डाटा तैयार करेगा एंड ही कैन सेल टू बहुत कॉरपोरेट्स होते हैं जो डाटा के बेसिस पे अपना काम करते हैं, वो इन सभी कॉरपोरेट को ये डाटा सेल कर सकता है और उससे बहुत सारे ह्यूज अर्निंग होती है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सभी जो टेक कंपनियाँ हैं बहुत सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनको अर्निंग कहाँ से होती है, अर्निंग बेसिकली यहीं से होती है, वो आपकी जो सेंसिटिव डाटा, जैसे आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल करते हो, आप फेसबुक पोस्ट करते हो कि आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर टू देयर, फिर कोई चीज़ आप बाइंग करते हो तो आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपका एक बिहेवियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो आपका बिहेवियर नोटिस करता है, इस पर्सन को ये पर्सन अच्छा लगता है, ये पर्सन ये चीज़ खराब लगता है, उसके कारण क्या होता है कि आपका जो पॉलिटिकली आप कैसे सोचते हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उसके बेसिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपको बिहेवियर को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पर आपको एड्स दिखाते हैं, उसके बेसिस पर आपको पॉलिटिकल कंटेंट दिखाते हैं कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करो, ठीक है। सो जो अगर आप देखोगे तो ये राइट टू प्राइवेसी का ये वायलेशन है, ठीक है, तो अगर आप ये बेसिकली आपको सर्विलेंस में रखते हैं टेक कंपनियां, क्या होती है, ये बेसिकली आपको एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको सर्विलेंस कर रहे हैं और आपका प्राइवेसी को, आपका जो लिबर्टी है उसको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर तुम देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है कि ये जो IT इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल 2011 ये है, वो जो व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी वो उसको वायलेट करती है, ठीक है, वो इसको ये जो रूल IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल उसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है। और मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ IT ऑल्सो सेज की ये जो व्हाट्सएप पॉलिसी है फेल्स टू स्पेसिफाई द सेंसिटिव पर्सनल डाटा बीइंग कलेक्टेड। सो फेसबुक व्हाट्सएप ये नहीं बोला कि कौन कौन से सेंसिटिव डाटा वो ये कलेक्ट करेगी, ठीक है, ही बेसिकली टॉक्स अबाउट कि यू हैव टू अलाउ फॉर द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप, लेकिन आप व्हाट्सएप के थ्रू क्या क्या सेंसिटिव डाटा स्टोर करोगे, कौन से पर्सनल डाटा को स्टोर, पर्सनल डाटा एक अलग होता है और सेंसिटिव डाटा अलग होता है, जैसे बैंकिंग, आपका बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो गया और भी बहुत सारे बायोमेट्रिक ठीक है, ये सभी जो डाटा होते हैं वो भी स्टोर होते हैं, ठीक है, तो सेंसिटिव डाटा अलग चीज़ होती है, पर्सनल डाटा अलग होती है। तो व्हाट्सएप ने डिक्लेयर नहीं किया कि आप कौन कौन से डाटा को कलेक्ट करोगे, इट बेसिकली कि आप व्हाट्सएप को अगर यूज़ करना तो आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके जो डाटा वो व्हाट्सएप एक्सेस कर सके, ठीक है। सो इंडिया में अगर देखोगे तो पुट्टा स्वामी जजमेंट एक हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर तुम देखोगे तो टेक कंपनीज क्या करती है, कॉन्स्टेंट सर्विलेंस करती हैं थ्रू यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस विल हिंडर आवर फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, ठीक है,
फिर तुम्हारा ये टेक कंपनीज क्या करती है, हमारे जो प्राइवेट डिटेल्स, जैसे हमारे जो ट्रैवल डिटेल्स है, हम ट्रैवल डिटेल्स में क्या डालते हैं कि हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो उसको मॉनिटर करती है कि ये पर्सन कहाँ कहाँ तक घूमना पसंद करता है, फिर उसके बेसिस पे उसको ऐड दिखाई जाती है कि आप यहाँ घूमने जा सकते हो, ये प्राइस है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग हिस्ट्री का यूज़ करके वो आपको टेक कंपनियाँ अपना ट्रैवल देख, ट्रैवल मतलब ट्रैवल टूरिज्म जो भी काम करते हैं उनको देती है, फिर तुम्हारा शॉपिंग हिस्ट्री को देखती है और उसके बेस पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती है, ठीक है, फाइनेंशियल डिटेल देखती है कि आप मान लो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपने 10,000 का परचेस करा, आपने फिर 15,000 का परचेस करा, तो आपको देखती है कि इस पर्सन की परचेसिंग पावर है, ठीक है, उस परचेसिंग पावर के हिसाब से आपको फिर आपको ऐड दिखाती है कि आप ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में एक लॉ लाया गया है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, ये रूल्स पूरे यूरोपियन यूनियन में लाया गया है टू प्रोटेक्ट दी पर्सनल डाटा ऑफ द सिटीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया भी ने भी एक स्टेप लिया है, ठीक है, 2018 में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था बाय दी जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी, इसको बोला जाता है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। सो अभी ये जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी में इनका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, अभी ये लॉ बनानी है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है तुम्हारा स्कूल कॉलेज क्लोज इन पंजाब आफ्टर द सर्च। सो पंजाब में जैसे मैंने फर्स्ट आर्टिकल में बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी बहुत सारे स्टेट्स में नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इंक्रीज कर गए हैं, तो उसको देखते हुए पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, ठीक है, मार्च 31 तक भी बंद है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर सिनेमास और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा रिलेटेड दिल्ली से रिलेटेड है। सो जैसे ही अभी दिल्ली में यूनियन हमारे यूनियन होम मिनिस्टर से एक बिल लाया था, ये उस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। सो ये बिल लाया गया था और ये दिस बिल ट्राई टू अमेंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991। इस बिल को अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही थ्रू दिस बिल, और इसका पर्पस है कि टू रिप्लेस दी जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बाय द एलजी। सो जो भी गवर्नमेंट का जो वहाँ फेस है वो एलजी से रिप्लेस करने के लिए बिल लाया गया है। सो इस बिल में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें उनको देखने की जरूरत है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 2018 में हुआ था उसमें रिकॉग्नाइज किया था कि असेंबली हैव द राइट एंड सेड द यूनियन हैज एक्सक्लूसिव पावर ओनली ऑन द अबव थ्री इशू। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एलजी हैव पावर ओनली थ्री इशूज, लाइक जैसे दिल्ली में दो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो एलजी के अंडर होते हैं, जैसे लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन सब्जेक्ट एलजी के अंडर होती है, और अदर सब्जेक्ट होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 2018 में जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एलजी शुड वर्क विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे हम अगर अपना प्रेसिडेंट को देखते हैं, प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द, ठीक है, यूनियन, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, वो फंक्शन करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देते हैं उसकी एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम थे, वैसे ही जो एलजी है वो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो अपॉइंटेड थ्रू होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उनका भी काम है एक्ट थ्रू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी उसको एडवाइस करती है उसके बेसिस पे काम करना, ना कि अपने अपने मन से मतलब काम करना। फिर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड डेट एलजी हैज डू नॉट हैव इंटरेस्टेड विद द मेनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सो एलजी का डोंट हैव पावर टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, और व्हाइल द मैटर ऑफ डिस्प्यूट कैन बी सेंड टू प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट दैट डज नॉट मीन दैट एवरी मैटर शुड बी सेंड टू प्रेसिडेंट। सो बहुत सारे समय होता है क्या है कि एलजी को लगता है ये सब्जेक्ट मेरे अंडर आता है, मेरे को डिसीजन लेना चाहिए, बहुत सारे में लेजिस्लेटिव असेंबली को लगता है कि ये डिसीजन मेरा है, आपको ये सब्जेक्ट में मेरे को डिसीजन लेना चाहिए। सो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अब डे टू डे फंक्शन में आप बहुत बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो
तो उन सभी मैटर को आप प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हो, और प्रेसिडेंट उस पर डिसीजन लेंगे कि इसमें किसका ऐड बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एवरी सब्जेक्ट या एवरी जो डे टू डे फंक्शन है उसका जो भी इशू आ रहा आप प्रेसिडेंट को सेंड कर, ठीक है। सो आम आदमी पार्टी ने यहाँ बोला है कि आफ्टर बी रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली बीजेपी सीक्स टू कटेल द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। आप इस जो ये जो बोला गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो सीएम है जो केजरीवाल साहब है वो इलेक्टेड पर्सन है, ना कि नॉमिनेटेड है। एलजी साहब नॉमिनेटेड पर्सन, जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया है, लेकिन केजरीवाल साहब को जनता ने थ्रू इलेक्शन इनको मैंडेट मिली कि वो आप दिल्ली को गवर्न करें, दिल्ली को रूल करें। सॉरी, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। सो इस आर्टिकल में भी वही वही बात की गई है, ठीक है, जो मैंने आगे आपको बताया। यू कैन रीड दिस, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट आर्टिकल है तो रिलेटेड टू लोकसभा पासेस बिल ऑन देवेंद्रकुलम वेलार्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट अदर अमेंडमेंट बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस। जो ये जो बिल है जो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये बिल ट्राई टू अमेंड, क्या कौन से बिल को अमेंड करना चाह रही है? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। और अगर तुम देखते हो तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू स्पेसिफाई शेड्यूल कास्ट इन वेरियस स्टेट इन यूटी, और पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है कि वो जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसको मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। सो इसमें अगर जो तुम देखोगे स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ द बिल, तो इस बिल का जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो रीजन है बोलता है कि बिल हैज इंट्रोड्यूस टू गिव इफेक्ट द मॉडिफिकेशन प्रपोज बाय द स्टेट स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसमें जो अमेंडमेंट लाने की जो प्रपोज किया था उसके उसके लिए बिल लाया गया। और ये बिल का पर्पस है कि तमिलनाडु प्रपोज दैट सर्टन मॉडिफिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट बाय ग्रुपिंग सेवन कास्ट इनटू द एग्जिस्ट, जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे सेपरेटली। सब एग्जिस्ट पहले सेपरेटली करते थे, लेकिन अब उसको एक ही ग्रुप में लाने के लिए ये बिल लाया गया है। द बिल रिप्लेसेस द एंट्री फॉर देवेंद्र कुलनाथन कम्युनिटी विथ देवेंद्र कुल वेलार। और ये सात एसटी कम्युनिटीज को एक में करने के लिए बोला गया, ठीक है, जो कि पहले सेपरेटली था। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आर्टिकल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से। सो इंडिया का जो रैंकिंग है बहुत ही पुअर रहा है इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इंडिया का परफॉर्मेंस देखोगे तो सार्क कंट्रीज में इंडिया का परफॉर्मेंस नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से भी खराब रहा है। सो इसलिए बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर इन्होंने क्वेश्चन किया है मेथोडोलॉजी एंड डाटा एक्यूरेसी ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि एक एनजीओ लॉन्च करती है, वेल्थ एंड हंगर लाइफ, ये एनजीओ लॉन्च करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, एवरी ईयर। तो उसमें इंडिया का जो मेथडोलॉजी यूज़ किया गया उस पर इन्होंने क्वेश्चन रेस कराया कि आपने किस मेथड का यूज़ किया कि इंडिया का परफॉर्मेंस इवन वर्स देन नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हम लोग को हुई थी उसमें भी दिखाया गया था कि हम लोग का जो परसेंटेज ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग या चाइल्ड स्टंटिंग एंड मालनरिश मालनरिश चिल्ड्रंस है, जो कि 2015 एंड 16 में वो है तुम्हारा लगभग 21 एक बहुत सारे पीपल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा लोकसभा पासेस एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल। सो लोकसभा में एक बिल लाया गया है, ठीक है, टू अमेंड कॉल्ड मिनरल माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। और ये बिल क्या जाता है, अमेंड टू माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ठीक है। इस बिल को अमेंडमेंट किया जाता है करने के लिए सेंटर ने ये बिल लाया, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि दिस अमेंडमेंट विल क्रिएट जॉब, अलाउ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टू इन द फील्ड ऑफ माइनिंग और इनहेंस टेक्नोलॉजी इन द माइनिंग सेक्टर। सो माइनिंग सेक्टर में तुम देखोगे तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ऑन गोइंग होते रहते हैं,
ठीक है, तो ओपोजिशन ने भी ये मुद्दा उठाया कि क्या बात है कि मतलब माइनिंग सेक्टर में रेगुलरली रिफॉर्म्स होते फिर भी माइनिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो हमारे जो प्रहलाद जोशी साहब हैं उन्होंने बोला है क्या कि इट विल क्रिएट द एडिशनल जॉब ऑफ 50 50 मतलब 55 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे और इनहेंस माइनिंग एक्टिविटीज को होगा। ठीक है, और अगर तुम देखोगे तो माइनिंग सेक्टर राइट नाउ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है लगभग 1.75% ऑफ द कंट्री जीडीपी। ठीक है, और इसका जो ये बिल है उसका एम है कि टू रेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग सेक्टर टू 2.5% टू द जीडीपी। ठीक है, सो दिस बिल विल बेसिकली ट्राई टू डिस्टिंग बिटवीन दी कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस, एंड दी जो नेशनल मिनरल इंडेक्स है वो तुम्हारा वो इसको मॉनिटर करेगी और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट विल सी द फंक्शनिंग ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, सो इस बिल बेसिकली बात किया गया कि रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ मिनरल, ठीक है, एंड यूज ऑफ मिनरल्स। सो दिस एक्ट बेसिकली एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिजर्व एनी माइंस जो कि अदर देन कोल लिग्नाइट एटॉमिक मिनरल्स होने चाहिए टू बी लीज थ्रू एन ऑक्शन फॉर द पर्टिकुलर यूज। ठीक है, एंड सच माइंस आर नोन एज कैप्टिव माइंस। सो दिल प्रोवाइड सो दिस बिल प्रोवाइड दैट नो माइन विल बी रिजर्व फॉर पर्टिकुलर इंड। सो पहले क्या होता था कि जो बहुत सारे पर्टिकुलर मिनरल्स होते हैं वो रखे जाते थे फॉर द पर्टिकुलर यूज। ठीक है, इस यूज के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अब इसमें ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है और बिल प्रोवाइड दैट नो माइन विल बी रिजर्व फॉर द पर्टिकुलर यूज। कोई भी मिनरल हो वो किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको इस पर्पस के लिए उसको रखने की जरूरत है। फिर ठीक है, फिर सेल ऑफ मिनरल बाय कैप्टिव माइंस। सो दिस बिल प्रोवाइड दैट कैप्टिव माइंस मे सेल 50% ऑफ द देयर एनुअल मिनरल प्रोडक्शन टू द ओपन मार्केट आफ्टर मीटिंग देयर ओन नीड्स। सो अपने नीड्स को पूरा करने के बाद 50% ऑफ देयर एनुअल जो मिनरल प्रोडक्शन है उसको हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। सो थैंक यू।